तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। जब से मंदिर के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है, तब से ये और भी अधिक चर्चा का केंद्र बन गया है। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी की हुई पुष्टि हुई है। इसका दावा टीडीपी ने किया है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अपनी सरकार की 100 दिन की विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकने के लिए ही चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का झूठा मामला उठाया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक भी है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल समर्पित दान करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं व युवतियाँ भी भक्तिभाव से अपने बालों का दान करती हैं। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बांबी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जलाभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काट कर बालाजी के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केशदान की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के साथ फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की सातवीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्री नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेंपल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब तीसरी शताब्दी के आसपास में हुआ है, जिसका समय समय अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। पांचवीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। नौवीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहां कब्जा कर लिया था। इस मंदिर के ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर काफी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक बरकरार है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शिष्या पर विश्राम कर रहे थे, तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है।
इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहां की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती हैं। मंदिर में अब आधार कार्ड को रजिस्टर कर प्रसादम प्राप्त करने की व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए श्रद्धालुओं को लड्डू काउंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करवाना होगा। ऐसा करते ही उन्हें काउंटर नंबर 48 से 62 में से किसी भी काउंटर से 2 प्रसादम लड्डू मिल जाएंगे। ध्यान रहे, काउंटर नंबर 48 से 62 के बीच ही आधार कार्ड रजिस्टर कर लड्डू प्रसादम देने के लिए निर्धारित किया गया है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर में VIP दर्शन करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट https://www.tarumla.org/ पर जाना होगा और सामान्य जानकारी देकर लॉगिन करना होगा, जिसके स्पेशल एंट्री में जाकर जिस दिन दर्शन करना हो वहां से उस तिथि का चयन कर लें। इसके लिए आपको 300 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे और अगर साथ में प्रसाद के रूप में लड्डू लेने की सोच रहे हैं तो प्रति लड्डू के पीछे आपको 50 रुपए अलग से देने होंगे। ரயில் மாத்திரம் வேணும்.